वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड, हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्र सर लेके आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। दोस्तों ये चैप्टर 8th है आपके क्लास 11th का और एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में ही चलता है, ये यूपी बोर्ड में भी चलता है, वो वहां पे अलग चैप्टर है ये, ठीक है। हमारे सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 8th है। दोस्तों बायनोमियल थ्योरम बहुत ही इजी है, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें क्या है कि आपको कोई थ्योरम लर्न नहीं करनी, कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। अगर आप वो समझ लिए, बेसिक इसका इंट्रोडक्शन समझ लिए दोस्तों, आप डेफिनेटली पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसको समझने से पहले आपको कुछ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा। और जिन भी व्यूअर्स ने हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, परम्यूटेशन एंड द कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लीजिए एक बार, और जो कॉम्बिनेशन का जो एक्सरसाइज सॉल्व कराया है, जो फॉर्मूला है उसका, वो भी जरूर देख लीजिए। क्योंकि अगर वो देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर अच्छी तरह इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ठीक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बायनोमियल थ्योरम है। अब इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वही इसकी जड़ है। आखिरकार ये बायनोमियल थ्योरम क्यों आया है हमारे सिलेबस में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आप समझिए। दोस्तों अगर मैं ये कहूं आपको कि 98 है, क्या है ये 98 का मैं स्क्वायर बोलूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे फटाफट से, पहला मेथड क्या होगा कि आप यहां से रफ कॉलम में अपना 98 लिखेंगे और 98 दोबारा लिखेंगे और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों वो करेक्ट है, मेथड भी सही है और स्टेप भी सही है। लेकिन आप एक फॉर्मूला और इसका यूज कर सकते हैं, वो क्या, आप इसको लिख सकते हैं 100 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी का स्क्वायर करके आप इसका थ्योरम को, मतलब इस स्क्वायर को आप इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ये हो गया मेथड नंबर 2, मीन्स दैट मेथड नंबर 1 ये हो गया, मेथड नंबर 2 हो ये हो गया, ये सही है, गलत नहीं है। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपको कि दोस्तों 97 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, या क्या करेंगे 100 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो यहां पे कर देंगे क्यू, ठीक है, मतलब सॉरी, हाँ ये कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं यहां पर मैं क्यूब लिख दूं, ठीक है, तो आप यहां कर देंगे क्यूब, या यहां पे क्या करेंगे 97, यहां पे 97 और 97 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर अगेन 97 से मल्टीप्लाई करके ये फाइनल आंसर हमारा रहेगा, है ना। तो ऐसे आप दोस्तों क्यूब कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पे 97 न करके आप चलिए 97 ही ले लीजिए, 97 का पावर में 5 कर दूं, तो क्या करेंगे, या पावर में 6 कर दूं, 7 कर दूं, 8 कर दूं, 10 कर दूं, इतना बड़ा बड़ा नंबर कर दूं, तो आप क्या करेंगे। दोस्तों वहां से जन्म लेता है, वहां से हमारा बर्थ लेता है क्या, बायनोमियल थ्योरम। दोस्तों जब पावर हमारी स्क्वायर या क्यूब से ऊपर हो जाए, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब से हमारी जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर हो जाए, तो उस टाइम हमारे पास एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। दोस्तों वहां पे इस थ्योरम का यूज होता है, वो क्या है वो देखिए। अगर आपने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को, मतलब जैसे वो थ्योरम कैसे लिखी जाती है उसको समझ लिया दोस्तों, वो लॉजिक वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए क्या, अभी आपके पास क्या था, 100 - 2 किया था, या 100 + 2 का स्क्वायर या क्यूब किया था, है ना। हम मैं उसी पैटर्न में इसको ले जाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है ए प्लस बी का पावर एन, क्या है ए प्लस बी की पावर एन, आपने कॉम्बिनेशन में क्या सीखा था, एनसीआर, ठीक है। हम भी इसका वहीं पे वही यूज कर रहे हैं, क्या देखिए यहां पे लिखेंगे एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी की पावर जीरो, देखते जाइए बस, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। ये होगा एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, ठीक। फिर होगा एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, ठीक। फिर देन प्लस एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री, ठीक। अब दोस्तों ये प्लस होके ये चलता जाएगा,
ठीक है, जो उसकी आखिरी टर्म होगी वो होगी एम सी एन, ए की पावर जीरो बी की पावर एन। अब आप एक चीज पे गौर कर रहे होंगे, वो चीज क्या है कि यहां पे जीरो है, एन सी जीरो, यहां जीरो है और यहां पावर एन है। जब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर रहे हैं तो ये पावर इंक्रीज हो रही, देखिए जीरो से वन हुई, टू हुई, थ्री हुई, आगे नेक्स्ट स्टेप फोर हुई, होते होते जितनी टर्म थी मतलब जितना पावर था उतना आखिरी में वो है एन सी एन। ठीक है, जो ऊपर है ए की पावर में, देखिए ए की पावर में एन है वो डिक्रीज होते जा रहा है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री करते करते जीरो तक गया। अब बी की पावर जीरो है, वन हुई, टू हुई, थ्री हुई और फिर वो एन होती जा रही है। दोस्तों इस तरीके के लॉजिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अगर आप केवल माइंड में ये रखिए कि मुझे केवल गिवन क्वेश्चन में उसको बस एक्सपेंशन लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना, केवल एक्सपेंशन लिखना है, तो आप डेफिनेटली है कि एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपेंशन लिखना लर्न हो जाएगा। यहां तक ये समझ में आई, मतलब ये कैसे लिखते हैं ये समझ में आया। अब दोस्तों हम एक चीज इस पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, आने आने वाले पे हमेशा प्लस है, तो क्या हम समेशन साइन लगा सकते हैं? जी हाँ लगा सकते हैं। तो इसको इक्वेट करके मैं लगाऊंगा समेशन का साइन, यही इनका समेशन का साइन है ना। अब देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है आपके सामने, ये है एन सी, एन सी, एन सी क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहां जीरो हो रहा है, यहां वन टू थ्री फोर करते करते एन तक जा रहा है, तो वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल ये है, ठीक है, एक वेरिएबल इसकी पावर है ए की पावर और फिर दूसरी वेरिएबल क्या है बी की पावर, यहां जीरो वन टू वेरिएबल। तो पहले कॉन्स्टेंट लिख दीजिए, यहां पर आएगा ए, यहां आएगा बी, यहां वेरिएबल क्या है उसको लिख दीजिए मान लीजिए के। अब आप K रखिए, I रखिए, J रखिए, P रखिए, जो भी आपका मन है वो रखिए, लेकिन वेरिएबल रखना है आपको। ठीक है, यहां K हो गया, अब यहां पे क्या करना है, ये K, ठीक, यहां पे K, अब यहां पे क्या हो रहा है, माइनस वन माइनस टू माइनस हो रहा है ना, तो यहां पे माइनस कर दीजिए, ठीक, माइनस वन और यहां क्या कर दीजिए प्लस वन। ठीक, तो यहां पे K जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है एन तक। ठीक, अब देखिए लास्ट टर्म देखिए एन है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहां जीरो पुट किया तो एन सी जीरो ए की पावर जीरो माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया एक मिनट, यहां ये एन सी जीरो, ये एन हो गया, ठीक, और एन माइनस वन ये, ठीक, और यहां पे बी के की पावर जीरो स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, ये तीन, ठीक है, ये प्लस वन नहीं, ठीक है, बस यहां तक ठीक है, ये यहां तक चीज समझ में आई, ये समेशन कर्व कैसे जनरेट हुआ। अब आपसे मैं कोई सा भी टर्म बोलूं वो टर्म आप यहां पे उसको लिख सकते हैं, ये चीज समझ में आई। ये चीज नहीं भी आ रही कोई बात नहीं, आपको जनरल फॉर्मूला पता है, जनरल मेथड पता है एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लू लेके चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए अब आपके सामने एक मैं छोटा सा लेके आता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी बोला हो और लिखा हो पावर फोर, कैसे करेंगे? तो आप फटाफट इससे कंपैरिजन कीजिए और लिख दीजिए एन क्या है, यहां पे एन क्या है, एन इक्वल टू फोर है। ठीक, फटाफट लिख दीजिए क्या एन मतलब फोर सी जीरो, फोर सी जीरो ए की पावर कितनी होगी एन मतलब फोर, b की पावर जीरो प्लस फोर सी वन, देखिए फोर सी वन, ए की पावर n माइनस वन मीन्स दैट फोर माइनस वन मीन्स दैट थ्री, ठीक, और b की पावर वन आ जाएगी प्लस फोर सी टू हो जाएगी हम, और फोर माइनस टू मतलब टू, a की पावर टू, b की पावर टू, ठीक, टू प्लस फोर सी थ्री, a की पावर n माइनस थ्री तो वन, बी की पावर थ्री प्लस फोर सी फोर, ए की पावर कितना जीरो, ठीक, और बी की पावर नहीं यहां पे एन सी जीरो वो माइनस होके ये आ गया था थ्री, अब ये जीरो हो गया, अब बी की पावर फोर हो गई। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजी हमने ये लिख दिया था, और यहां पे दोस्तों इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि एन सी जीरो कितना होता है, एन सी वन या फोर सी टू फोर सी, ये आप इजी जानते हो क्या कि
एन सी, ये एन है, एन सी आर का फॉर्मूला क्या है, एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल, ये तो आप जानते हैं। इस फॉर्मूले से आप ये टर्म निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं दोस्तों, है ना। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, ये एग्जांपल मैंने लेके चल दिया था। अब दोस्तों बात आती है, यहां की चीजें समझ में आ गई ना, जिन भी व्यूअर्स को आ गई है फटाफट एक लाइक देके बता दीजिए मुझे कि हाँ सर ये बात समझ में यहां पे आ गई है। अब दोस्तों अगर ये तो प्लस है, ए प्लस बी की पावर एन है, तो आपने ये लिख दिया। अगर यहां पे केस आ जाए क्या, अब नेक्स्ट केस ये आता है कि अगर यहां पे लिखा हो x माइनस वाई की पावर टू, ठीक है, या n बोला, तो कैसे करेंगे। यहां पे जस्ट आप कंपैरिजन कीजिए कि जो a है वो तो x है, जो b है वो माइनस वाई, कैसे, यहां पे लिख दीजिए a इक्वल टू x और b इक्वल टू माइनस वाई। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे करेंगे वो देखिए, एन सी जीरो, ठीक है, a की जगह पे x और b की जगह पे वो, ठीक, ये ब्रैकेट, ठीक, प्लस एन सी टू, ए की जगह पे x पुट करना है, ठीक है, x पुट कर दिया, और n माइनस वन, तो यहां पे क्या है, टू माइनस वन, ठीक, तो टू माइनस वन। अब b की जगह क्या करना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई, अब पावर में वन प्लस, वहां जो जो है, a की जगह पे x, b की जगह पे माइनस वाई, बस इतना ध्यान रखिए। क्या करना है, एन सी टू, एन सी जीरो, सॉरी यहां पे वन, यहां पे टू, और x की जगह पे n माइनस टू, और इसकी जगह पे माइनस वन, और यहां पे टू। अब बताइए इसके नेक्स्ट स्टेप में एन सी थ्री आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आएगा ना, कैसे करेंगे, ठीक है, वो चीज तो क्लियर हो गई, यहां तक चीज क्लियर है। अब दोस्तों आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, जहां जहां पे y माइनस y की पावर है, जो यहां पे है माइनस y की जो पावर है, जहां पे इवन है, तो वहां तो आंसर क्या आएगा, मतलब वो टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 2 है, तो ये पूरी टर्म तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जहां पे ऑड पावर है वो टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल माइनस वन की पावर वन है, तो ये जो टर्म है वो माइनस आएगी, तो यहां पे ये जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, आपको बस यही चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये जो आपका टू है वो टू टर्म तक जाएगा, जो भी आगे जाएगा आगे जाएगा, नहीं तो वहीं पे स्टॉप है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बस मैं इतनी बात कर रहा हूं कि अगर पावर जो नेगेटिव टर्म की है अगर वो वहां पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इवन पावर है, ये इवन है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, अगर वो ऑड है तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम बहुत ही इजी है, जस्ट आपको एक लुक लेना है, इसका एक टर्म जानना है, ठीक है, यहां तो चीजें तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं हम जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या होता है, साथ ही साथ हम सीखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म और मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल की, उसका भी इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, हम उसके ऊपर एक्सरसाइज भी बाद में करेंगे, ठीक है। तो जनरल टर्म दोस्तों किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन, ठीक है, जनरल टर्म यही होता है टी आर प्लस वन। अब दोस्तों क्या होता है टी आर प्लस वन, आप देख रहे होंगे एक कि फटाफट जल्दी से लिखिए ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला, ठीक है, तो एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी की पावर जीरो, प्लस एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, प्लस एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, प्लस चलता जाएगा ये, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रेंड्स सेकंड टर्म बताइए इस पूरे एक्सपेंशन की, तो आप क्या बोलेंगे, सर सेकंड टर्म तो ये है ना, तो इसमें देखिए एन सी वन है ना, है, अब बी की एन की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन है, तो सेकेंड टर्म में मैं सेकेंड टर्म बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे क्या है वो एन सी आर की जगह पे आर माइनस वन हो रहा है ना। अगर मैं बोलूं एन सी थर्ड टर्म बताइए, तो थर्ड टर्म तो आर इक्वल टू थ्री, लेकिन वो हो क्या रहा है, माइनस में हो रहा है,
माइनस वन हो रहा है, तो वन टू थ्री टर्म में माइनस मतलब आर माइनस वन हो रहा है। तो मैं बोल तो रहा हूं कि आर इक्वल टू थर्ड टर्म बताइए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो क्या है, वो आर माइनस वन वनथ टर्म निकाल रहे हैं, आर माइनस वनथ टर्म निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि हमें उसमें से एक टर्म माइनस करके निकालना होता है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहां पे जनरल टर्म का बोलूं मैं यहां पे, तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला तो एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, बस यही करना और कुछ नहीं करना। अगर आप बोला ये जनरल टर्म मतलब आपको अगर मैंने ये बोला कि जनरल टर्म में आपको निकालना है आर प्लस वन एफ टर्म, आर प्लस वन एफ टर्म निकालना, तो आप ये निकालेंगे, ये इसको आप लर्न कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम एक बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब बताएंगे जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों मिडिल टर्म का, ठीक है। क्या आता है मिडिल टर्म का, ठीक। अब देखिए दोस्तों मिडिल टर्म में कैसे करेंगे मिडिल टर्म। अब दोस्तों आपने उसमें सीख रखा है, आपने जब स्टैटिक चैप्टर पढ़ा था, स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें मीड मोडियन मीड मोड मीडियन चैप्टर था ना, उसमें मिडिल टर्म वाला आया था, है ना। ऐसे आपने अर्थमेटिक वाला पढ़ा था जब चैप्टर मेरे साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और जो भी मतलब वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मिडिल टर्म भी था। दोस्तों मिडिल टर्म दो कंडीशन से आता है, कैसे कैसे आता है, एक आता है हमारा जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो और एक आता है जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, ठीक है। दो टर्म आता है ना, इवन और ऑड, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म इवन रहती है, फिर फॉर एग्जाम्पल फोर है, तो फोर का मिडिल टर्म क्या होगा, ये दोनों होंगे, है ना। और अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, मींस दैट फाइव है, तो इनके मिडिल टर्म क्या होगा, केवल ये वाला होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो देखना पड़ेगा, कब, जब हमारा जो ये एन है, ये जो एन है इसमें से हम ढूंढेंगे कैसे होगा, कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर एन हमारा इवन हुआ या एन हमारा ऑड हुआ, अगर एन हमारा इवन होता है तो क्या होगा और n हमारा ऑड होता है तो क्या होगा। दोस्तों जब n हमारा इवन होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो ये दोनों टर्म होंगे ना, उस टाइम क्या करेंगे, हमारे मिडिल टर्म 2 आएगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा, मीन्स दैट कि n प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों टर्म हमारी होती है मिडिल टर्म, मतलब ये वाली टर्म भी ये वाली टर्म भी, ठीक है। दोनों टर्म हमारी होंगी मिडिल टर्म। और जब n इक्वल टू ऑड होता है तो कुछ नहीं करना, बस हमें n अपॉन 2 करके प्लस 1 कर देना है। एक चीज इसमें आप गौर कीजिएगा, जो फॉर्मूला है वो n प्लस 1 साथ में अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है, और यहां पे n बाय अपॉन 2 है बस अलग, और यहां पे 1 अलग है बस, ये ध्यान रखिए, ठीक है। मिडिल टर्म निकालने की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी 5 उंगलियां हैं, 5 ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म निकलेगा, और इवन में 4 होती है तो 2 ही मिडिल टर्म निकलेंगे, इसी को गौर कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये बताइए, और इसके ऊपर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको लेके आऊंगा इसकी एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 8 में 8.1 8.2 ये सब है। तो जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियो नोटिफिकेशन से पहले मिले, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।